आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का बहुत ही जल्दी बन जाने वाला स्नैक। ये स्नैक बहुत जल्दी बन जाता है पर उसका स्वाद उतना ही मज़ेदार होता है, तो बारिश के मौसम में इसको बनाना तो बनता है। तो जल्दी से इसे बनाइए और सबके साथ इसको एंजॉय करिए। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच तेल। फ्लेम को लो पर कर देंगे। उसमें हम डालेंगे 6 से 7 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई। अब लहसुन को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। लहसुन को लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। लहसुन को ज़्यादा कलर नहीं देना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। पानी मैं यहाँ 1 कप डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप सूजी। तो जितनी भी आप सूजी यूज़ कर रहे हैं उससे डबल पानी आपको यूज़ करना है। इसके बाद पानी में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो। उसके बाद इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। आप इसमें अपने पसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे पाव भाजी मसाला, चाट मसाला या फिर थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें आप बारीक कटी हुई सब्जी जैसे गाजर, शिमला मिर्च और कॉर्न भी डाल सकते हैं। पानी जब उबलने लगे तो उसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। इस रेसिपी में आपको सूजी बारीक वाली यूज़ करनी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप सूजी को मिक्सी में चलाकर थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक कर सकते हैं। सूजी को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालेंगे और उसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि उसमें कोई भी कांठे ना रह जाएं। तो सूजी को डालते जाइए और उसे लगातार चलाते रहेंगे। इस टाइम फ्लेम को लो पर ही रखना है क्योंकि अगर फ्लेम हाई रहेगा तो सूजी सारा पानी जल्दी सोख लेगी और ठीक से पक नहीं पाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद सूजी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी फूल गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सूजी को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। सूजी को फैला लेंगे और उसको हल्का सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। सूजी अब ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे आलू उबले हुए। मेरे आलू की साइज़ बड़ी है इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 आलू यूज़ कर रही हूँ। आलू को ग्रेट करके डालेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। आलू के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड चीज़। चीज़ डालना ऑप्शनल है पर चीज़ डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी करीब 1 से 2 मिनट तक। ये मिक्सचर मेरे हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है इसलिए मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। इस वक्त आप इसके मसाले और नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से ये सूजी का स्नैक बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप कॉर्नफ्लावर की जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे करीब 2 मिनट तक। अभी आटा तैयार हो गया है। ये एकदम स्मूथ और चिकना है। अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ। आप इसको अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे कटलेट का शेप।
अभी सारे मिक्सर के बॉल्स बन गए हैं। आप इन बॉल्स को 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब इसे डीप फ्राई करके खा सकते हैं। अब हम इन बॉल्स को डीप फ्राई करेंगे। तेल को कढ़ाई में गर्म कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। उसमें करीब 8 से 10 बॉल एक साथ डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। बॉल्स को कढ़ाई में डालने के बाद तुरंत नहीं घुमाएंगे। बॉल्स को तलने में करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे। बॉल्स को बीच बीच में घुमाते रहेंगे ताकि बॉल्स सब तरफ से अच्छे से फ्राई हों। अब ये सूजी बॉल्स गोल्डन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे हुए बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इन बॉल्स को चपटा करके थोड़े से तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी और टेस्टी सूजी के बॉल्स रेडी हैं। इसे गर्मा गर्म एंजॉय करिए हरी चटनी या सॉस के साथ। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, खासकर अपने बच्चों के लिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।